नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कॉर्नर में रेड कलर की बटन, उस पर क्लिक करो, ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन हो जाओ, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको आईएएस अधिकारी बनना है तो बीए करके आप आईएएस अधिकारी कैसे बनोगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो का फैंटेस्टिक टॉपिक कि आईएएस ऑफिसर बीए करके कैसे बना जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे एक टाइम ऐसा था कि बीए की बहुत वैल्यू होती थी और अभी भी बीए की बहुत वैल्यू है मेरे अकॉर्डिंग। बस हम लोगों को अपनी जो ये मेंटल सोच है उसको अलग करने की जरूरत है। हम लोग सोचते हैं बंदे ने बीए किया कुछ नहीं किया है। मैं भी जब छोटा था, मैं 10th या 12th में था, तो मेरे अगल बगल लोगों से, भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, ताऊ लोग हैं, लोगों से सुनता था कि यार नहीं, बीए तो बेकार होता है यार, बीटेक करो वो सही होता है। तो मैंने बीटेक किया, लेकिन हाँ बीटेक करने में कहीं ना कहीं मेरा भी मन था, नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है। शुरू से टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़े रहने का मन था, तो इसलिए मैंने बीटेक का डिसीजन लिया। लेकिन मैं बता दूं कि वहीं बीए करने वालों के लिए सबसे अच्छा फायदा क्या होता है। जैसे आपने बीए किया, सबसे पहली बात तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि यार आपने इंजीनियरिंग की है कि आपको जॉब करना बहुत कम है। सब कहते हैं अरे ठीक है बीए किया हुआ है। तो बीए करने के बाद जैसे आप है कि आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका होता है। जब आप 12th पास आउट कर लो, 12th के बाद ही प्लान आउट करो अगर आप आईएएस के लिए हो। आप आईएएस की अगर कोचिंग ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो, या मतलब घर वाले अफोर्ड कर सकते, तो 12th के बाद ही कोचिंग ज्वाइन कर लो। 3 साल कंटिन्यू तैयारी करो यार। 3 साल के बाद चौथे साल में जब बीए पास हो जाओ, चौथे साल में फोर्थ अटेम्प्ट कह रहा हूँ कि जो चौथा साल होता है बीए करने के बाद, उसमें आप एग्जाम दो दोस्तों। बहुत अच्छा होता है आपके लिए अगर उसमें आप क्रैक कर जाते हो। ये होता है ना कि जैसे आप बीए के बाद 4 साल तैयारी करते हो, लॉन्ग टाइम। 12th के बाद आप करोगे, बीए भी डिस्टेंस से करते रहो और प्रिपरेशन भी करते रहो। ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो आप आईएएस में जरूर सफल होगे। वो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आपका, समझ लो कि 4 साल आपका बच जाता है। उसके बाद भी अगर आप असफल होते हो, मान लो कि इंटरव्यू से छट जाते हो, किसी रीजन से छट जाते हो, तो फिर भी आप, आपके अंदर एक्सपीरियंस रहता है, नॉलेज रहता है, आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करो, तो ऐसे 2-3 साल में आप निकाल ले जाओगे। लेकिन हाँ आप ये सोचोगे नहीं मैं बीए पहले करूंगा फिर आईएएस की तैयारी करूंगा, तो ऐसे तो दोस्त कहानी उल्टी हो जाएगी और माजरा बिगड़ जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि बीए की वैल्यू कम नहीं है। बीए करके भी आप एक आईएएस अधिकारी बन सकते हो, बीटेक करके भी आईएएस अधिकारी बन सकते हो, ग्रेजुएशन में की कोई बड़ी डिग्री लेकर भी आप आईएएस बन सकते हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बीए की वैल्यू बहुत कम है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो हमारे सारे दोस्तों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो दोस्त चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो यार। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।